स्वागत है फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूँ। सबसे पहले छोटा सा काम आप लोग करना है, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो चलते दिखाई देंगे। और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्रिकेट से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो पर आते दोस्तों, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड T20 दो दिवस इंडिया आगे है श्रृंखला में। और जिस तरीके से तीसरा T20 मैच खेला गया, स्पेशली इंडियन टीम ने चार प्लेयर बदल किए, आपका भुवनेश्वर, बुमराह, चहल और दीपक हुड्डा, इन चारों को रिप्लेस करके श्रेयस अय्यर, उमरान मलिक, आपका रवि बिश्नोई और इन चार गेंदबाजों के साथ इंडियन टीम उतरी। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट रहा। तो ये कुल मिलाकर कुछ इस तरीके अक्षर पर जिस तरीके से इंडियन टीम ने चार चेंजेस किए और उसके बाद फिर लग भी रहा था कि इंडियन टीम एक अपने जो बेंच स्टैंड पर जो प्लेयर बैठे हुए हैं, स्पेशली उमरान मलिक हो, चाहे आपका आविश खान और आपका रवि बिश्नोई, जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने IPL के अंदर या बाहर भी मिले हुए का मैचों में करी है, तो इनको भी थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहते थे इंडियन टीम। और सीरीज जीत चुकी थी इसलिए इनको एक मौका दिया। श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है उनको तो, पर जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडियन टीम बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ पर है और बैटिंग ऑर्डर में इंडियन टीम के लिए किसी को रिप्लेस कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। टॉस जीता इंग्लैंड ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सही फैसला था। और एक तरह से देखा जाए तो इंडियन टीम के लिए भी सही फैसला था, क्योंकि जिस तरीके की न्यूकमर गेंदबाजी से इंडियन टीम इस मैच में उतरी है, चेंज करना ज़्यादा इजी था। क्योंकि बल्लेबाजी में आपका रोहित शर्मा थे, आपका सूर्य कुमार यादव है, उसका पंत है, विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर, तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजिशन में इंडियन थी कि चेंज ईजिली कर सकती थी। और अगर इंडिया टॉस जीतती तो पहले वो बल्ले गेंदबाजी ही चुनती, क्योंकि उसे टारगेट का अनुमान हो जाता कि हमें इतने रन बनाने हैं, वो ज़्यादा इजी रहता बनस्पत इसके कि अगर आप पहले टारगेट सेट करो। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा गेंदबाजी खराब, ये जो गेंदबाज है, लेकिन न्यूकमर है और जिस तरह से इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी है अभी तक दो मैचों में क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी है उनकी, वो किसी भी बड़े टोटल को ईजिली चेस कर सकते हैं। और उन्होंने इस मैच में दिखाया जिस तरीके से रॉय और बटलर ने शुरुआत की, आविश खान ने बटलर का विकेट निकाला, जो जब तक 18 रन बटलर बना चुके थे और जिस निक में वो लग रहे थे, जिस टच में वो लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पारी है। शुरुआत से देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाज बटलर और रॉय ने अपने आप को थोड़ा संभाल के खेलना शुरू किया, और ये बहुत क्योंकि वो सीरीज तो हार चुके थे लेकिन मोटिवेशनल जीत चाहते थे, वो एक मनोवैज्ञानिक जीत स्पेशली अपनी टीम के लिए चाहते थे कि टीम को मोरल ना डाउन हो। आगे जो 12 तारीख से वनडे मैचेस की श्रृंखला शुरू होने वाली है, उसमें एक कुछ पॉजिटिव के साथ जाए कि हाँ लास्ट मैच जीते हुए हैं, उसका एक अलग एनर्जी होती है कि आप जीत के कहीं से आते हैं और फिर अगला मैच खेलते हैं, तो एनर्जी पॉइंट एनर्जी लेवल बहुत बड़ा होता है और यही चाहती थी इंग्लैंड की। इसलिए उसमें बल्लेबाजी भी इस तरीके से, रॉय भी संभल के खेलना शुरू हुए और बटलर भी, लेकिन आविश खान के गेंद से बटलर का विकेट। आविश खान अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छी गेंद को हिट करते हैं और वो लाइन और लेंथ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी रही और वो छटपटा जरूर रहते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज, क्योंकि स्कोर, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा संभल के खेलता है तो वहाँ कहीं ना कहीं जो स्कोर होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि आप पिच के मिजाज को थोड़ा अपने आप को सेटल करना चाहते हो और ये एक बड़ी चीज़ होती है। उस बीच अच्छा गेंदबाज अगर होता है, अगर अच्छा गेंदबाज है या एक अच्छा कैप्टन है, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अच्छा कैप्टन है तो जरूर चाहेगा कि मैं इस दौरान ये दोनों बल्लेबाज अब संभल के खेल लूँ अपनी गोली, तो 20 ओवर का मैच है, कम से कम 2 से 4 ओवर में अपने ईजिली निकाल लूँ, 3-4 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो ओवर निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो बल्लेबाजी टीम को होगा और उसका फायदा ज़्यादातर गेंदबाजी टीम को मिलता है कि कहीं ना कहीं 2-4 चौके छक्के लगने के बाद विकेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसा ही हुआ, बटलर का विकेट निकला, उसके बाद उमरान मलिक की तेज उठती हुई गेंद पर और उसे लेट कट खेलने के चक्कर में जैसन रॉय आउट हो गए और सॉल्ट जिस तरीके से हर्षल पटेल ने उनको बोल्ड किया, अच्छी गेंद थी शॉल्ट की और हर्षल पटेल की, शॉल्ट थोड़ा सा गच्चा खा गया उसमें, लेकिन एक गेंद से जयवीर मलान, उनकी तो बहुत तारीफ करता और ये मुझे बहुत ज़्यादा एज ए बल्लेबाज बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं,
हमेशा सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने स्कोर को कभी स्लो डाउन नहीं होने देते, अगर बाउंड्रीज नहीं आती तब भी सिंगल डबल से मैच को निकालते रहते हैं। लिविंगस्टोन दोनों मैच में अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बार लिविंगस्टोन की जो बल्लेबाजी क्रम है, अगर आप उन्हें 7 से 8 ओवर 9 ओवर का बीच का दायरा अगर मिलता ना, आज दैट पोजिशन ही इज टेरिफिक। उस पोजिशन पे लिविंगस्टोन जैसा बल्लेबाज बहुत शानदार है। लिविंगस्टोन का प्लस पॉइंट ये है कि आप 2 ओवर उनसे निकलवा सकते हैं। अच्छे लेग ब्रेक गेंदबाज है, मैं कहूँगा T20 के हिसाब से बहुत अच्छे गेंदबाज है, और वनडे मैच में अगर इनका यूज होता है एज ए बॉलर इंग्लैंड टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। स्कोर दोनों ही बल्लेबाजों ने लिविंगस्टोन और मलान ने बहुत शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ा, लेकिन रवि बिश्नोई जिस तरीके से रवि बिश्नोई ने एक ओवर में मोइन अली और मलान का विकेट निकाला, वहीं पूरी स्ट्रेटेजी इंग्लैंड टीम की बिखर के रह गई। और बहुत बड़ा ओवर था रवि बिश्नोई का, वो अपने लास्ट ओवर में थे, विकेट लेस थे, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी हुई रवि बिश्नोई की। और आज के मैच में एक खास चीज बताऊं मैं रवि बिश्नोई के बारे में कि ही कैन बॉल लेग ब्रेक, इज नॉट ओनली द बॉलर, यू कैन से ही इज अ लेग ब्रेक बॉलर ऑन द पेपर। टिल टुडे मैं यही समझता था कि वो सिर्फ एक कागजों पे लिखा जाने वाला लेग ब्रेक बॉलर है, लेग ब्रेक उन्हें आती नहीं है। आज भी मैं 6 में से 6 गेंदे ही पुट ऑन द गुगली ही डालते हैं, लेकिन मैंने इस मैच में उनके द्वारा की गई लेग ब्रेक देखी, खुशी लगी, अच्छा लगा। और द्रविड़ कंपनी काम कर रही है और थैंक्स की काम कर रही है, क्योंकि एक इनके पास एक ही अस्त्र मुझे दिखता है वो गुगली, और गुगली एक ऐसा अस्त्र है, दूसरा जो गेंद होती है वो एक ऐसा अस्त्र है कि आप 6 की 6 डालोगे तो वो आपका सबसे खराब अस्त्र बन जाएगा। वो आपने कभी भी देखा होगा, बड़े से बड़े चाहे कुंबले चाहे शेमोहन चाहे आपका हरभजन सिंह चाहे आपका मुथिया मुरलीधरन शैकलन मुश्ताक अहमद पॉल स्ट्रैंड, ये जितने भी गेंदबाज स्पिनर हुए हैं गुगली को एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हैं, उसे वो उस पोजिशन पर यूज करते हैं जहाँ बल्लेबाज को फंसा चुके थे वो अपनी माइंड गेम से, और उसके बाद वो अपना अस्त्र चलते हैं। और 99% ये बड़े गेंदबाज, ये जितने भी मैंने नाम आपको गिनाए, उस गुगली पर विकेट लेते हैं। लेकिन रवि बिश्नोई 6 में से 6 के अंदर गुगली, अगर लेग ब्रेक हो जाए, मैंने आज तक IPL खेला इन्होंने 2 साल, उसके बाद कई इंटरनेशनल मैचेस खेले, मैंने इनके द्वारा किया गया लेग ब्रेक नहीं देखा, लेकिन इस मैच में देखा, अब खुशी हुई, क्योंकि जब तक ये तो अपनी गेंद जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो लेग ब्रेक इनकी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर ये नहीं आएंगे ना, तो जिस तरीके की गेंदबाज अगर अपनी लेग ब्रेक से थोड़ा सा मिस होंगे तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 2 विकेट निकाली, अच्छी गेंदबाजी रही, उसके बाद हर्षल पटेल ने भी 1 विकेट निकाली। कुल मिलाकर लिविंगस्टोन एक एंड से टिके रहे, लेकिन ब्रुक्स ने इनका अच्छा साथ दिया, 9 गेंदों में 19 रन बनाया, उसके बाद जॉर्डन ने 3 गेंदों में 11 रन बनाया, जो टोटल लैंड की टीम चाह रही थी वो यहाँ पर उनको मिला। जिस तरीके से बल्लेबाजी रही इंग्लैंड की, 215 रन का एक विशाल स्कोर बनाया इंडिया ने, और बहुत बड़ा स्कोर था, उन्होंने पूरी तरीके से इंडियन गेंदबाजी को डोमिनेट किया पूरी तरीके से, चाहे उमरान मलिक थे, चाहे आवेश खान, चाहे बिश्नोई, चाहे हर्षल पटेल, और रविंद्र जडेजा के लिए भी खासी दिखते हुए, रविंद्र जडेजा भी मैच में खासी परेशानी में लगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आगे 215 रन का टारगेट। और जिस तरीके से इंडियन बल्लेबाज स्पेशली रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बाकी है, विराट कोहली के लिए मौके बन रहे हैं कि वो ऐसे मैचेस में अपने आप को फिर से स्थापित करें, फिर से एक अपना औरा दिखाएं कि अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, जिस तरीके से इंडियन टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई आपका रोहित शर्मा ने, रोहित शर्मा और पंत ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की शुरुआत की है, पंत 1 रन के स्कोर पर टॉपली द्वारा विकेट गई, और वो सबसे बड़ा झटका इंडियन टीम को टॉपली ने दिया, क्योंकि पंत एक ऐसे बल्लेबाज हैं अगर वो थोड़ी देर पिच पर टिकते तो मैच का पूरा लेखा जोखा बदल सकते थे, क्योंकि रोहित शर्मा अभी अपने खराब दौर से गुजर रहे हैं ये कहेंगे, क्योंकि IPL से लेकर अब तक का पिछले 2 मैच में 31 रन के आसपास का स्कोर किया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से वो कर सकते हैं। वो अपने आप को बचाते हुए संयम से खेलते हुए 30 रन तक पहुँचे, तभी भी एक कॉन्फिडेंस वाला मैच उनके लिए आना बाकी है। विराट कोहली 11 रन का स्कोर टॉपली द्वारा 3 विकेट, और विराट कोहली के लिए मेरे ख्याल से समय बहुत खराब हो चुका है,
मैं ये कहूंगा कि अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस चलता रहा उनका, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब विराट कोहली खुद से संन्यास ले या टीम मैनेजमेंट उन्हें कहे कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए क्योंकि तो समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। और ये विराट कोहली भी जानते हैं इस बात को, वो भी इस बात से भली भांति वाकिफ है। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम से मैनेजमेंट बीसीसीआई ने कहे कि नाउ द टाइम हैज बीन टाइम फॉर यू टू चूज योर करियर विच वे यू वॉन्ट टू गो, उससे पहले खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा और खेलने की, क्रिकेट इस बंदे में बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, पर एक बंदा जो तीनों ही मैचेस में जिसने अपना लोहा मनवाया है, दैट इज सूर्य कुमार यादव। व्हाट अ परफॉर्मेंस ही मेड हिज सेंचुरी। और जिस समय सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में थे, उनका साथ शिवशेष अय्यर ने दिया, 117 रन की सूर्य कुमार की वो पारी, और इंग्लैंड के से वो मैच छीन चुके थे। जब तक वो क्रीज पे थे पूरी तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजी को उन्होंने डोमिनेट किया, 117 रन, अनबिलीवेबल। ऐसा लग चुका था कि इंडियन टीम मैच जीत जाएगी जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कार्तिक का एक रन आउट होना अनफॉर्चुनेट रहा, अदरवाइज अगर कार्तिक उनके साथ रहते तो जो बहुत शानदार तरीके से इंडिया जीती, उस कार्तिक का रन आउट होना, उसके बाद जडेजा का इस मैच में ना चल पाना, फिर आपका और एन मौके पे सूर्य कुमार यादव की विकेट चले जानी, और ये कुछ है 3-4 ओवर के स्पेल में ऐसा घटित हो गया जो इंडियन टीम इजी मैच जीत रही थी, वहाँ इंग्लैंड टीम ने फिर पलटवार किया और वापसी की। पर ये एक प्रेशर का खेल था और इस प्रेशर के खेल में इंग्लैंड ने बाजी मारी, क्योंकि जब 215 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हो तो टिल द लास्ट बॉल डिलीवर प्रेशर बना रहता है, या लास्ट रन जब तक नहीं ले लेते हो, एक गेंद पर भी प्रेशर इधर से उधर हो सकता है, वही हुआ। सूर्य कुमार यादव शेष अय्यर जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे इजिली इंडिया और इंग्लैंड को डोमिनेट कर देते, लेकिन जैसे सूर्य शेष अय्यर की विकेट, उसके बाद जडेजा आउट हुए और फिर कार्तिक का विकेट जाना और उसके बाद सूर्य कुमार, ये 2-3 विकेटों ने इंडियन टीम की पारी को पूरी तरह से लड़खड़ा दिया और टोटली 4 विकेट निकाली, मेन मौकों पर उन्होंने विकेट निकाले और एक तरह से अपने आपको साबित किया कि पहले दो मैचेस में प्रॉब्लम इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से इस मैच में की। क्रिस जॉर्डन ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है पूरे मैच में, बिली ने भी 2 विकेट निकाली, तो इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी ने इस मैच में पूरा साथ दिया। बिली जॉर्डन 2-2 विकेट, टॉपली 3 विकेट, 1 विकेट मोइन अली को मिले, और ये सारा जिस तरीके से इंग्लैंड टीम ने पूरा एक गणित लगाया था अपना बॉलिंग में, वो काम कर गया। तो वो भली बात ही जानते थे कि इंडियन टीम की बल्लेबाजी में पोटेंशियल है, किसी भी समय वो पलटवार कर सकती है। एक बल्लेबाज का चलना अगर रोहित चल जाते हैं, विराट कोहली चल जाता, कोई थोड़ा बहुत सूर्य कुमार का साथ देता, तो शायद ये 3-0 से इंग्लैंड टीम श्रृंखला हार जाती। लेकिन सही मौके पर अपने नर्व्स को थामे रखना, वही जीतता। एक ना थॉट है चाणक्य जी का, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने ये कहा था कि जब आपका समय खराब हो ना तो आप उस समय पूरे धैर्य के साथ रणनीति बनाइए, और जब सही समय आए तो पूरी क्षमता के साथ विरोधी पे प्रहार कीजिए, और इंग्लैंड टीम ने वही किया। समय खराब था लेकिन जब इनका समय इनके साथ आया, रणनीति इनकी बन रही थी और पूरी क्षमता से इंडियन टीम पर वार किया, बॉलिंग बैटिंग हर फील्ड में इंग्लैंड तीसरे मैच में इंडियन टीम पर भारी पड़ी थी। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।